मोदी जी को लोग गरियाएंगे और गांव आप चले जाइए, कहते हैं गोली निकालने का। यही मोदी जी के बुड्ढे कहते भैया मोदी जी ने क्या दिया, जितना वादा किया क्या उन्होंने खड़ा कर दिया। गुजरात में आप 19 पर आ गए, हिमाचल में क्या हुआ, सफाड़ा साफ कर दिया। अब की यूपी की बारी है, राहुल जी का समय कहाँ आएगा? सबका एक समय होता, आज मोदी जी का समय है, कल राहुल जी का समय होगा। जहाँ धर्म नफरत की राजनीति होती है, जहाँ जाति संप्रदायवाद की राजनीति होती है, और वो हक देने वाली सिर्फ है तो कोई कांग्रेस पार्टी है और दूसरी पार्टी नहीं है। हमारी सरकार इस बात पर बात क्यों नहीं करती है कि हर व्यक्ति अपना हक मांग रहा है? आज आप देखिए भारत जोड़ो मतलब क्या होता है, ये राष्ट्रवाद नहीं है क्या? हम लोग राष्ट्रीय नहीं, हम राष्ट्र में नहीं रहते क्या? घबरा ना दिल, छोट न कर, जग टिका है आस पर, गिरने वाले गिर के संभलते हैं, गिरकर यह एहसास कर कि क्षण क्षण बदलती है पृथ्वी की हर चीज, अपने बारी का राहुल बाबा विश्वास कर। भारत जोड़ो यात्रा में आप पोशाक देख सकते हैं साधु संत, और आरोप लगते हैं कि हिंदू जो हैं वो कांग्रेस के साथ है नहीं, कोई साधु संत है नहीं, राहुल गांधी कौन से भारत को जोड़ने की बात कर रहे हैं? देखिए ये तो अपना विचार है कि कौन किसके साथ है कौन नहीं। आज आपके माध्यम से मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि पूरा देश देख रहा है कि कौन किसके साथ है कौन किसके साथ नहीं है। जहाँ धर्म नफरत की राजनीति होती है, जहाँ जाति संप्रदायवाद की राजनीति होती है, आज मैं ये कहना चाहता हूँ, ये हमारे तमाम युवाएं हैं यहाँ, हमारी सरकार इस बात पर बात क्यों नहीं करती है कि इनको रोजगार चाहिए? क्यों किसानों के लिए बात नहीं करती है? कुशासन पर, भ्रष्टाचार पर सरकार एक भी बात नहीं करती है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम ज्ञानस्वरूप ब्रह्मचारी है। अगर आप कांग्रेस के पक्ष में बोलेंगे तो आप हिंदू ही नहीं रह जाएंगे, तो क्या करेंगे? मुझे इसको किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है कि मैं हिंदू हूँ, मैं कौन हूँ। मुझे सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है, मुझे सर्टिफिकेट मिला है तो मेरे गुरु के द्वारा मिला है, मेरे संत समाज के द्वारा मिला है, मुझे आप सबके द्वारा मिला है। हाँ मैं जानता हूँ कौन हिंदू की सर्टिफिकेट बांट रहा है, मुझकी उस बात की डर नहीं है। तो उनकी जरूरत भी नहीं है? मुझे खास विशेष व्यक्ति की जरूरत नहीं है, मुझे जरूरत है सभी लोगों की जरूरत है, मुझे सभी भाइयों की जरूरत है। तो राष्ट्र बन रहा है, आप एक साधु संत इस तरीके से बात कर रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, इसको एक राष्ट्रवाद की तरफ ले जा रहे हैं। कैसा राष्ट्रवाद? मैं ये नहीं समझ पाया, कैसा राष्ट्रवाद, किस राष्ट्रवाद की बात करते हैं आप भाई? कैसा राष्ट्रवाद जो समाज को दो भागों में बांट दिया, वो कह रहा है। आज आप देखिए क्या स्थिति है, क्या स्थिति है प्रदेश में, देखिए आप, मैं क्या बोलूं ज्यादा। राम राज्य चल रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर और पूरे देश के अंदर। अगर राम राज्य होता तो जो लोग यहाँ हैं, ये देख दिखाइए कितने लोग हैं यहाँ पर, दिखाइए यहाँ क्यों होते, यहाँ क्यों होते सड़क पर, वो क्यों होते? वो अपना हक मांग रहे हैं, किसान अपना हक मांग रहा है, बेरोजगार अपना हक मांग रहा है, हर व्यक्ति अपना हक मांग रहा है, और वो हक देने वाली सिर्फ है तो कोई कांग्रेस पार्टी है और दूसरी पार्टी नहीं है। कांग्रेस का पता भी नहीं चल रहा है, सत्ता के लोग लगातार आरोप लगा रहे हैं कि भारत टूटा कब था जो राहुल गांधी जोड़ने की बात कर रहे हैं। अरे मेरे भाई क्या बात कर रहे हो आप, ऐसा है कहीं तो बताइए कि यहाँ से टूटा है, इस जाति से टूटा है, इस धर्म से टूटा है। अरे मेरे भाई, ये जो धर्म के ठेकेदार बने हैं उनसे पूछो धर्म है क्या, मैं बताऊंगा। ये आप सिखा दीजिए, चलिए आप सिखा दीजिए, पूरा कैमरा चलेगा और एक एक शब्द आपके हम सुनाएंगे, बताइए धर्म क्या है। हम सनातन धर्म के हैं, हमारा धर्म सनातन है, और सनातन वसुधैव कुटुंबकम की भावना सिखाता है, उदार चरितानाम वसुधैव तो कुटुंबकम की भावना सिखलाता है। ये धारा, ये लोग जो यहाँ पर हैं सब, ये अपने भाई हैं,
कोई धर्म की राजनीति नहीं, नफरत की राजनीति नहीं, द्वेष नहीं, ईर्ष्या नहीं। अगर ऐसा है तो वो सनातन धर्म नहीं, वो राष्ट्रीय धर्म नहीं, वो हमारा धर्म नहीं। तो कौन सा धर्म है ये जो चला रहे हैं भाई मोदी जी, योगी जी और उनकी पूरी मंत्रिमंडल? भाई कुशासन और भ्रष्टाचार की ये जो धर्म है उसको चला रहे हैं। भ्रष्टाचार की धर्म है पूरी पूरी सी, आप जान लीजिए। और क्या बताएं आपको, जुड़ जाएगा। जुड़ने का मतलब यह है कि आज पूरा देश, आप देखिए, मैं आपको इतना ही बताऊंगा कि 2024 से पहले जितने भी चुनाव होंगे वहां पर कांग्रेस जीतने जा रही है, और 2024 में आप देखिएगा कहां जीत पाएंगे। देश राष्ट्रवाद की तरफ बढ़ रहा है और आप लोग भारत को जोड़ने की बात कर रहे हैं। ये भारत जोड़ो मतलब क्या होता है? ये राष्ट्रवाद नहीं है क्या? हम लोग राष्ट्रीय नहीं, हम राष्ट्र में नहीं रहते क्या? भारत जोड़ो मतलब ये है कि जो विखंडित लोग हैं उनको जोड़ने का काम करे। कांग्रेस पार्टी आज से आज तक जोड़ने का काम की है, भारत तोड़ने की बात कौन कर रहा है भाई? आपका जेएनयू पूछ लेंगे अभी अगर आप खिलाफ बोलेंगे तो। देखिए उस समय सिचुएशन जब आप उस समय होते तो पता चलता क्या होता, ठीक ना? उस समय का जैसे आज जो इतनी टेक्नोलॉजी हर चीज सुविधा हो गया ना, तो आप हा हा करते। जब उस समय कुछ नहीं था, उस समय की लड़ाई जब होते तब पता चलता। आप क्या पूछते हो? तो कैसे मतलब किस तरीके से जोड़ेंगे हम नहीं समझ पा रहे। गुजरात में आप 19 पर आ गए, हिमाचल में क्या हुआ? सपाड़ा साफ कर दिया कि यूपी की बारी है। रुकिए, ये राजनीति है, कभी आपके दामन में कभी हमारे दामन में, किसी की बपौती नहीं है। यही देखिएगा, मोदी जी को लोग गरियाएंगे और गांव आप चले जाइए, कहते हैं गोली निकालने का। यही मोदी जी के बुड्ढे से कहते भैया मोदी जी ने क्या दिया, जितना वादा किया क्या उन्होंने खड़ा कर दिया, ठीक ना? है सारे नहीं, मीडिया के बारे में बात मत करो, वो बात की मीडिया सबका है, हम इस पे खिलाफ रखते हैं। मोदी जी ने इस देश को देखिए, जो बड़े गद्दी बैठेगा काम कुछ ना कुछ करेगा। नेहरू जी अपने समय में आए, इंदिरा जी अपने समय पर आई, राजू सबका एक समय होता। आज मोदी जी का समय है, कल राहुल जी का समय होगा, परसों इनका समय होगा, तो इस पे कोई टिप्पणी नहीं। राहुल जी का समय कहाँ आएगा? बड़े बड़े ज्योतिष कहते हैं उनका समय नहीं आएगा, आप कहाँ लेके बैठे हैं? ज्योतिष ज्योतिष कोई मतलब नहीं होता, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस कर रही तो तस फल चाखा। ज्योति क्या होती, ज्योतिष क्या होता है, भगवान है क्या? हो आएगा समय, फिर आप ही लोग फिर मिलोगे, हम लोग अगर जिंदा रहेंगे फिर आपसे पूछेंगे, तब हम बताएंगे देखिए राहुल जी आ गए, ठीक ना? भारत माता की। मैं कहना चाहूंगा कि घबरा ना दिल, छोड़ न कर जग टिका है आस पर, घबरा ना दिल, छोड़ न कर जग टिका है आस पर, गिरने वाले गिर के संभलते हैं गिरकर, यह एहसास कर कि क्षण क्षण बदलती है पृथ्वी की हर चीज, अपने बारी का राहुल बाबा, विश्वास कर ये कारवा शुरू हो गया और देखते चलिए क्या होता है। जय हिंद जय भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में निकाला जा रहा है। बात कर रहे थे लोगों से, लोग बता रहे थे कि किस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा जो है निकाली जा रही है लखनऊ के अंदर, और उसके साथ साथ में कैसे लोग जुड़ रहे हैं। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे 24 तक न्यूज। कैमरामैन मसरूफ के साथ मैं मोहम्मद सैफ, लखनऊ।